दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों इस समय वेस्टइंडीज की मशहूर क्रिकेट लीग कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL का आयोजन वेस्टइंडीज में हो रहा है, जिसका तीसरा मैच जमैका तलावाज और सेंट लूसिया के दरमियान खेला गया, जिसमें जमैका की तरफ से पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली हीरो रहे। आसिफ अली ने मैच में नाबाद रहते हुए 27 गेंदों पर 47 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर जमैका को शानदार जीत दिलाई। आसिफ ने अपनी पारी के दरमियान 5 चौके और 2 छक्के भी जड़े। इस दरमियान आसिफ अली का स्ट्राइक रेट 174 का रहा। आपको बता दूं मैच में सेंट लूसिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। सेंट लूसिया की तरफ से रस्टोनचेज ने 42 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जबकि सेंट लूसिया में खेल रहे अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी फेल रहे और सिर्फ 9 रन बना सके, जबकि जमैका की तरफ से मुजीबुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। 159 रनों के जवाब में जमैका की शुरुआत खराब रही और मात्र 13 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद में ग्लेन फिलिप्स ने 29 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। लेकिन इनकी इस पारी से जमैका का सफ़र अभी आधा ही हुआ था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए आसिफ अली ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और अफगानिस्तान के स्पिनर जहीर खान की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद में आसिफ अली बिल्कुल भी नहीं रुके और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 47 रन की पारी खेली और जमैका को 2 कीमती पॉइंट्स दिला दिए। मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले आसिफ अली को मैन ऑफ द मैच भी मिला। आपको बता दूं आसिफ अली इस समय पाकिस्तान टीम से बाहर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए जिन खिलाड़ियों को चुना है उसमें आसिफ अली नहीं है। पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 T20 मैच खेलेगा, लेकिन अभी शानदार पारी के चलते आसिफ अली ज़रूर T20 टीम में जगह बनाना चाहेंगे।